देन वी हैव परफॉर्मेंस मेजरमेंट. परफॉर्मेंस मेजरमेंट इट टॉक्स अबाउट बैलेंस स्कोर कार्ड. दिस इज मोर इंपॉर्टेंट देन वैल्यू चेन एनालिसिस. इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं. थ्योरी के हिसाब से ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है. छोटा सा है और बहुत इंपॉर्टेंट है. बैलेंस स्कोर कार्ड. बैलेंस स्कोर कार्ड इज जैसे हमारा रिपोर्ट कार्ड होता है, हमारा अचीवमेंट कार्ड होता है जो स्कूल्स या कॉलेजेस में मिलता है. आपको कई सारे अलग अलग कैटेगरीज में असेस किया जाता है. इट्स नॉट जस्ट योर ओवरऑल परसेंटेज. इंडिविजुअल आपके सब्जेक्ट्स के मार्क्स होते हैं, देन योर को करिकुलर एक्टिविटीज, योर मेडिकल, कई सारी चीजों के बेसिस पे आपका पूरा जजमेंट किया जाता है, जिसके बेसिस पे वो पूरा एक कार्ड या इट्स इन अ फॉर्म ऑफ स्मॉल बुकलेट जैसा वो बनाया जाता है. वैसे ही अगर हम अपनी कंपनी को एनालाइज करना चाहे तो वी कैन प्रिपेयर अ स्कोर कार्ड फॉर अवर कंपनी एज अ होल. जो भी फैक्टर्स पॉसिबल है हर एक के लिए हम अपनी कंपनी को ग्रेडेशन दें, ग्रेड्स दें या पॉइंटर्स दें, हर एक मतलब जितना हम सोच सकते हैं. इट्स नॉट जस्ट हमारा प्रॉफिट कितना, हमारा आरओआई कितना, सिर्फ फाइनेंशियल फैक्टर्स ही नहीं, इवन द नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स जो भी कुछ हमारे कंपनी के परफॉर्मेंस को जज कर सकते हैं, नॉट जस्ट ओवरऑल, छोटी छोटी चीजों के परफॉर्मेंस को जो भी जज कर सकते हैं वो सब हमारा स्कोर कार्ड में इंक्लूड करते हैं. आपने कभी देखा होगा सर्वेज वगैरह होते हैं, दे आस्क यू मेनी थिंग्स, आर यू सेटिस्फाइड विद दिस सर्वेज और दिस और दैट. कोई भी पर्टिकुलर कंपनी ये सर्वेज कराती है, दैट इज अ फॉर्म ऑफ देयर स्कोर कार्ड. उसमें कई चीजें माइन्यूट सी लिखी होती हैं जो हमें लगता है कि दे आर वेरी इमटीरियल, लेकिन दे वॉन्ट टू सेटिस्फाई देयर कस्टमर टू दैट लेवल. उसके लिए वो लोग ये सर्वेज या फीडबैक्स वगैरह लेते हैं. सो स्कोर कार्ड जैसा ही स्कोर कार्ड बनाना, मतलब हमारे पास कई सारे पॉइंट्स होंगे जिसमें पॉइंटर्स देना, बट इट इज बैलेंस्ड इन नेचर. केवल फाइनेंशियल टर्म्स में नहीं, नॉन फाइनेंशियल टर्म्स पे भी कंपनी के परफॉर्मेंस को असेस करना, दैट इज अ बैलेंस स्कोर कार्ड. कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ बैलेंस स्कोर कार्ड. कस्टमर पर्सपेक्टिव. इसके अंदर कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से टाइप के फैक्टर्स होते हैं जिनके बेसिस पे हम स्कोर्स देते हैं. तो कुछ फैक्टर्स होते हैं विच आर फ्रॉम कस्टमर पर्सपेक्टिव. कस्टमर हमें किस तरह से देखता है, what does the customer want from us, what does he think of us. हमने customer के को कितनी बार on time deliveries दी है, customer को कितने अच्छे से हमने serve किया है, उसके basis पे these factors come. Then internal perspective, हमारे internal control के ऊपर कुछ factors होते हैं जिनके ऊपर हमें gradation या हमें pointers देना होते हैं. हमारा internal control system कितना strong है, उसके basis पे कुछ questions आएंगे. क्या ऐसा कभी हो तो कैन वी डिटेक्टेड, ऐसा हो तो हम डिटेक्ट कर सकते हैं क्या, किस लेवल पे जाके क्या, कब कितना फ्रॉड हमने पकड़ा है या कितना फ्रॉड है जो अभी तक डिटेक्ट नहीं हो पाया, या वी आर नॉट एबल टू ट्रेस द पर्सन हु इज लाइबल फॉर दैट. ऑल दीज आर बेस्ड ऑन द इंटरनल कंट्रोल. हमारे इंटरनल कंट्रोल को जज करने के लिए ये जो भी फैक्टर्स हम इंक्लूड करते हैं, दैट इज इंटरनल पर्सपेक्टिव. इन लर्निंग पर्सपेक्टिव, तो हम कितना इनोवेट करने के लिए केपेबल है उसके बेसिस पे ऐसे कुछ क्वेश्चंस फ्रेम किए जाएंगे जो इनोवेशन से लिंक्ड हो. जैसे हमने आरएनडी में कितना खर्च किया, या हमने साल भर में कितने नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, दैट इज एन इनोवेशन. जितने नए प्रोडक्ट्स आप लॉन्च कर रहे हो उतना बेटरमेंट है, उतना बेटर है आपके लिए. चांसेस है कि कोई भी प्रोडक्ट अगर सक्सेसफुल हो गया तो आपका मार्केट बढ़ सकता है. So these questions will come in the scorecard, which will be based on innovations. And last is financial perspective, जो हम सोच ही सकते हैं क्या क्या हो सकता है. हमारा ROI, हमारे अलग अलग जितने ratios होते हैं, debt equity ratio, ये ratio, वो ratio, ये सारे financial perspective. Shareholders हमें किस तरह से देखते हैं, ये सारे perspective से मिला के एक scorecard बनता है जिससे हम balance scorecard बोलते हैं. Then reasons for failure, okay. Finally, we have benchmarking. Benchmarking, आप जानते हो इंडस्ट्री का जो बेस्ट प्लेयर है उसको चूज करके उस तक पहुंचने की कोशिश, दैट इज बेंचमार्किंग. हम किसी एक को बेंचमार्क डिसाइड कर लेते हैं, टारगेट डिसाइड कर लेते हैं, एंड वी जनरली प्रेफर टू चूज अ टारगेट हु इज द बेस्ट ऑफ इंडस्ट्री. उसको प्रेफर करके हम, उसको बेंचमार्क डिसाइड करके हम उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं. देन वी हैव टाइप्स ऑफ बेंचमार्किंग. द फर्स्ट इज कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग. तो हमारे जितने कॉम्पिटिटर्स हैं उनमें से किसी एक को बेंचमार्क डिसाइड करना, उनमें से बेस्ट को
बेंचमार्क डिसाइड अगर हमने किया है वो कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग। सेकेंड स्ट्रैटेजिक बेंचमार्किंग। स्ट्रैटेजिक बेंचमार्किंग मतलब नॉर्मल बेंचमार्किंग की तरह बेंचमार्किंग होगी, बट दिस इज फॉर लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज। शॉर्ट टर्म के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए हमने बेंचमार्क नहीं बनाए, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए जब हम बेंचमार्क्स बनाते हैं दैट इज स्ट्रैटेजिक बेंचमार्किंग। ग्लोबल बेंचमार्किंग, जब हमारे जो टारगेट्स बेंचमार्क्स होते हैं वो सिर्फ इंडियन कंपनीज नहीं होती हैं, दे आर ग्लोबल कंपनीज। ग्लोबल लेवल पर जब हम देखें कि हमारे कौन किस तक पहुंचना है हमें, तब हम बोलेंगे वी आर ऑप्टिंग ग्लोबल बेंचमार्किंग। देन प्रोसेस बेंचमार्किंग, जब हम प्रोसेसेस के ऊपर बेंचमार्किंग करें, हमारा प्रोसेस ये इस तरह से रन होता है, कोई दूसरा है वो इस ढंग से प्रोसेस रन करता है, हमें भी वहां तक पहुंचना है। सो बेंचमार्किंग इज डन ऑन दी क्रिटिकल प्रोसेसेस, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन प्रोसेसेस के लिए, मतलब इट इज वी कैन से सेगमेंटेशन ऑफ बेंचमार्किंग। ओवरऑल कंपनी की जगह हम एक एक प्रोसेस पे बेंचमार्क अप्लाई कर रहे हैं ताकि हर एक डिपार्टमेंट हर एक प्रोसेस में प्रोग्रेस हो सके। फंक्शनल बेंचमार्किंग, फंक्शनल मतलब आपके सेल्स वाले सेक्टर में आपके जितने भी सेक्टर्स हैं, जितने भी फंक्शंस आप करते हो, प्रोडक्शन फंक्शन है, मार्केटिंग फंक्शन है, परचेजिंग एक फंक्शन है, हर एक फंक्शन के लिए जब आप अलग अलग बेंचमार्क्स डिसाइड करो। देन इंटरनल बेंचमार्किंग, इंटरनल बेंचमार्किंग मतलब हमारे फर्म के ही, मान लीजिए हमारी जो कंपनी है उसके ही कई सारे ब्रांचेस हैं, सो हर एक ब्रांच अपने लिए आपस में ही एक बेंचमार्क डिसाइड करे। से 10 जगह पर हमारे कंपनी के ब्रांचेस फैले हैं, उनमें से जो बेस्ट ब्रांच जो भी काम कर रही है वो बेंचमार्क है बाकी सारी ब्रांचेस के लिए, दैट इज इंटरनल बेंचमार्किंग। किसी बाहर वाली कंपनी को नहीं, हम अपने ही एक पार्ट को बेंचमार्क डिसाइड कर रहे हैं। देन एक्सटर्नल बेंचमार्किंग, जब फर्म के बाहर किसी दूसरी कंपनी को आप बेंचमार्क की तरह डिसाइड करो। इंट्रा ग्रुप बेंचमार्किंग एंड इंटर ग्रुप बेंचमार्किंग। इंट्रा ग्रुप बेंचमार्किंग मतलब एक कंपनी का ग्रुप फॉर्म हो गया है एक ही इंडस्ट्री में, मान लीजिए स्टेशनरी इंडस्ट्री है, उसी इंडस्ट्री के खूब सारे प्लेयर्स के बीच में हम बेंचमार्किंग कर रहे हैं। इंटर ग्रुप मतलब अलग 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 इंडस्ट्रीज के प्लेयर्स मिलके बेंचमार्किंग कर रहे हैं, मतलब फूड्स एंड बेवरेज इंडस्ट्री का कोई है, कोई स्टेशनरी का है, कोई फर्नीचर का है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का है, ऐसे अलग अलग इंडस्ट्री जिनमें कोई लिंकेजेस नहीं है लेकिन कोई कोई प्रोसेस हो सकते हैं जो कॉमन हो, देर कैन बी सर्टेन प्रोसेसेस विच कैन बी कॉमन, उनमें हम बेंचमार्किंग करें इररिस्पेक्टिव ऑफ कि हम किसी भी दूसरी इंडस्ट्री के हों। देन स्टेजेस ऑफ बेंचमार्किंग, ये आप पढ़ सकते हो। बेंचमार्किंग कोड ऑफ कंडक्ट, ये भी आप एसएम में शायद पढ़ चुके हो पहले। बेंचमार्किंग करने के लिए देर इज अ प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट विच इज एप्लीकेबल। कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो आपको फॉलो कर, जैसे हमारे ऊपर कोड एप्लीकेबल होता है सो दैट वी मेंटेन अवर इंटीग्रिटी, हम पूरे एथिकल वेज में अपना काम करते रहे। वैसे ही बेंचमार्किंग जब की जाती है तो बेंचमार्क मतलब ऐसा नहीं मैंने टाटा इंडस्ट्रीज को बेंचमार्क डिसाइड कर लिया, अब क्या होगा उसके आगे, मैं उस तक पहुंचूंगी कैसे, मुझे तो सिर्फ उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मालूम है, उसके अलावा तो और कुछ भी नहीं पता। जब तक टाटा इंडस्ट्रीज का कोई बड़ा आदमी मुझे अपने इंटरनल प्रोसेस के बारे में नहीं जानकारी देगा मुझे मालूम नहीं पड़ेगा। सो हाउ विल आई अटेन दैट टारगेट, मैं नहीं अचीव कर पाऊंगी, केवल उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखकर तो मैं प्रोग्रेस नहीं कर सकती, वहां पर तो बेंचमार्किंग का कोई फायदा ही नहीं है। सो फॉर अ प्रॉपर बेंचमार्किंग कुछ कंपनीज होती हैं जो साथ में मिलके ये अरेंजमेंट करती हैं कि वी विल फॉलो बेंचमार्किंग अमंग अवर सेल्फ। ऐसा नहीं कि आप जो चाहो उस कंपनी को डिसाइड कर लोगी हमारा बेंचमार्क और काम खत्म, नहीं, क्योंकि आपको डेटा एक्सचेंज करना पड़ेगा। जब तक उनका इंटरनल डेटा नहीं मिलेगा आप उन टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाओगे, आपको मालूम नहीं है कि वो अगर इतना प्रॉफिट कर रहे हैं तो कहां से कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट किस तरह से बना रहे हैं, वो कौन से रॉ मटेरियल्स यूज कर रहे हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं मालूम, तो हम कैसे वहां तक पहुंचेंगे, हमें तो केवल एक सेल्स का फिगर पता है, एक प्रॉफिट का फिगर पता है। सो फॉर दैट इंटरनल डेटा का एक्सचेंज होना बहुत कंपलसरी है, एंड वेन एवर देर इज एन एक्सचेंज ऑफ इंटरनल डेटा देर इज ऑलवेज अ रिस्क इन्वॉल्व्ड। उस डेटा का कहीं भी अगर मिसयूज हुआ बिजनेस बंद हो सकता है हमारा, इसलिए बेंचमार्किंग करने से लोग हमेशा डरते हैं, इस अरेंजमेंट में आने से लोग हमेशा अपने आप को रोकते हैं। लेकिन फिर भी ये अरेंजमेंट फॉरेन नेशंस में काफी पॉपुलर है और इंडिया में भी स्टार्ट हो रहा है,
Why? Because the big firms are now starting promoting the new ventures. जो entrepreneurs हैं, नए नए entrepreneurs हैं, उनको ये लोग promote करते हैं, funding देते हैं, ideas उनके लेते हैं. जो जिनके पास पैसा है उनके पास ideas नहीं है. So they want to invest their money in new entrepreneurs. उसके लिए वो लोग ये benchmarking का arrangement करते हैं ताकि दोनों मिल के एक दूसरे की help करके आगे बढ़ सके. लेकिन अगेन कंसिडरिंग द रिस्क इन्वॉल्व वी हैव अ प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट फॉर बेंचमार्किंग जो सभी को फॉलो करना पड़ता है. द फर्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ लीगैलिटी. जो भी कुछ आप बेंचमार्किंग में करोगे वो लीगल होना चाहिए. कोई भी इलीगल एक्ट के लिए आप बेंचमार्किंग नहीं यूज करोगे. आप आपस में कोई भी इलीगल एक्टिविटी के लिए मोनोपोली सेट करने के लिए हमने बेंचमार्किंग कर ली. हम सब मिलके हम सारे लोग हैं, सारे प्लेयर्स ने डिसाइड कर लिया वी विल सेट अवर बेंचमार्क. हमें सेलिंग प्राइस 200 रुपीज ही रखना है. नाउ दैट इज अ मोनोपोली. आपने अपनी मोनोपोली क्रिएट कर ली कि 200 सेलिंग प्राइस है. अब कस्टमर के पास कोई ऑप्शन नहीं है. दिस इज अगेंस्ट द कॉम्पिटिशन एक्ट. ये इलीगल है. आप मोनोपोली से मोनोपोली क्रिएट करने की कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते. तो ऐसा कोई भी इलीगल एक्ट आपको नहीं करना है थ्रू बेंचमार्किंग. सेकेंड इज प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज. ऐसा नहीं कि दूसरों की इंफॉर्मेशन ले ली, जब अपनी इंफॉर्मेशन देने की बारी आई तब पीछे हट गए. यू शुड बी रेडी टू एक्सचेंज योर इंफॉर्मेशन. जितनी इंफॉर्मेशन आप दूसरों की यूज कर रहे हो उतनी ही इंफॉर्मेशन आपको अपनी भी दूसरों को प्रोवाइड करनी पड़ेगी. थर्ड प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी. जो इंफॉर्मेशन लोग आपको दे रहे हैं यू शुड इंश्योर दैट इट इज रिमेनिंग कॉन्फिडेंशियल विथ यू. आप उसको कहीं लीक नहीं कर रहे हो. जो आपको बताया गया वो आप तक ही रहना चाहिए, कहीं और नहीं जाना चाहिए. देन प्रिंसिपल ऑफ यूज. जिस चीज के लिए इंफॉर्मेशन दी है उसको वही यूज होना चाहिए. अगर आपको किसी प्रोसेस का इंटरनल डिटेल दिया है कि हम इस तरह से ये प्रोसेस रन करते हैं, तो आपको उसका यूज सिर्फ अपने प्रोसेस के बेटरमेंट के ही लिए करना है. और किसी भी चीज के लिए, कोई टेंडर एक्वायर करने के लिए, कोई भी दूसरे रीजन के लिए किसी और को वो इंफॉर्मेशन हम बेच दें, दैट इज नॉट अलाउड. जिस यूज के लिए आपने इंफॉर्मेशन ली थी सिर्फ वहीं पर ही आप उसे यूज करोगे. प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट पार्टी कॉन्ट्रैक्ट्स. फर्स्ट पार्टी कॉन्टैक्ट. कॉन्टैक्ट्स का इनिशिएशन हमेशा बेंचमार्किंग पार्टनर्स के ही थ्रू होगा. मतलब ऐसा नहीं कि मैंने किसी भी थर्ड पार्टी को आपका कॉन्टैक्ट दे दिया. मैं आपका नंबर, आपका पर्सनल, जो भी आपके डिटेल्स हैं, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आई कैन प्रोवाइड टू एनीबडी. मुझे चाहिए तो मैं ही आपसे मांगूंगी. अगर किसी और को चाहिए आई टेक द परमिशन फ्रॉम यू एंड देन आई गिव इट टू देम. या फिर मैं उनका डिटेल आपको दूंगी. मैं खुद अपने आप से आपका डिटेल किसी भी और को नहीं दूंगी. दैट इज दिस प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट पार्टी कॉन्टैक्ट एंड सेकेंड पार्टी कॉन्टैक्ट. किसी भी तीसरे आदमी को डायरेक्टली कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की जाएगी. जो भी कॉन्टैक्ट की इंफॉर्मेशन है आपस में, पहले कॉन्टैक्ट फर्स्ट पार्टीज का होगा, विच आर द पार्टीज टू बेंचमार्किंग. उसके बाद कोई दूसरा तीसरा पर्सन अगर हम इन्वॉल्व करना चाहे तो विद द परमिशन ऑफ द अदर पार्टी वी कैन इन्वॉल्व देम इन द डिस्कशन. लास्ट इज प्रिंसिपल ऑफ प्रिपरेशन. तो वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर बेंचमार्किंग. ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके बेंचमार्किंग कर दी. आपको बहुत सारी उसके लिए प्रिपरेशन करने की जरूरत है. डेटा एक्यूमुलेशन एंड एवरीथिंग यू हैव टू डू इन प्रॉपर मैनर. दैट्स ऑल. सो for those who have started with us initially, the syllabus has ended as of now.